किनोन का इसका फैब्रिक है, ये इसका कमीज है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है जिस पर क्रेप पर भी करवाया, इसको हैंडवर्क है यो। और पैरेट इसका कलर है ब्लू कलर की। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। और वीडियो देखने तो आप आए गए हो और मैं उम्मीद है वीडियो देख कर आपने मजा भी आया होगा, पर उससे पहला आपने वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पे अपना प्यारा सा क्लिक करके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी का बटन भी दबा दियो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपने सबसे पहला मिलती रहे और आपका और हमारा साथ आगे नुए बनया रहे। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, आप सबका फिर से स्वागत है जीत जंक्शन की एक और नई वीडियो में। और टाइटल और थंबनेल देख के आपने मेरा लग गया होगा कि सुट्टा की वीडियो लेके आई हूँ। और वैसे आपने थंबनेल में देख भी गए होंगे कि कितने प्यारे लाभन लग रहे हैं मेरे ऊपर सूट। तो सुट्टा की डिटेल सुनने से पहले एक बार वीडियो ने लाइक कर दो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से शेयर करवा दो अपने इस चैनल पर। और सूट सारे अलग अलग है, कोई मशीन वर्क का है, कोई हैंड वर्क का है, कोई चिनोन का है, कोई प्लेन है, तो मैं अलग अलग एक एक करके आपने दिखा दू। सूटा लाए ना काफी दिन हो गए, मतलब महीना का लगभग हो गया होगा, पर बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और फिर कई दिन लोग भी कौन डले थे और कई दिन इन्हें सिलन में लाए गए, कई दिन आप बैर भी चले गए थे, चंडीगढ़ चले गए थे, तो उस करके लेट होगी वीडियो। पर आज मैं दिखा दू, सर्दी तो बल्कि चली गई ना, मैं एक दो सूट तो सर्दी आ गए है वेलवेट का, पर कोई बात नहीं, अगले सर्दियों में मेरा काम आ जाएगा। ईद भी मौसम तो है वैसे, रात में मैं थोड़े दिन पहले शादी में गई थी, मैंने ओढ़े भी पहले था, आपने देखा होगा पिछली शादी में गई थी मैं, जब स्वेटर डालने की जरूरत ही कौन पड़ी, मैंने बढ़िया मेरा सैद दिया था ब्याह और सूट बढ़िया भी लग गया था। तो सबसे पहले सूट मैं आपने दिखा दूं, ये वाला सबसे पहला जो सूट है ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई वर्क को नहीं, लैवेंडर कलर का इसका कमीज है। ये भी मैंने एक बार पैर लिया, पहले मैं चंडीगढ़ गई थी नहीं थोड़े दिन पहले जब मैं पैर गई थी, क्योंकि सिंपल सा है और देखो मैंने आगे समेट के धर दिया, सड़वट कितनी हो रही है, ये मैंने मेहनत करनी पड़ेगी इस पर प्रेस करके ना, फिर आपने मैं पैर दिखाऊंगी। चिनोन का इसका फैब्रिक है और इसके नीचे मैंने अच्छा नॉर्मल वाला लग रहा है, नहीं मैं कही सेंटून का है, सॉरी नॉर्मल वाला को नहीं, इसके नीचे मैंने सेंटून का लगवा रखा है। बहुत सारे जो मतलब जॉर्जेट के हुए है या चिनोन का कपड़ा, मैंने बहुत सारे कपड़े से हुए है जिनके नीचे मैं यो इसका सेंटून का भी बोल दिया करे और टापटा सिल्क बोल दिया करे, उरे तो मेरी जो दीदी है नहीं कह रहा टापटा सिल्क, तो वो वाला कपड़ा लगा, ये 100 रुपए मीटर आवे है, क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा पतला सा खुल लग गया, इस करके मैं यो लगवा लिया करूँ। बाजू मैंने फुल लॉन्ग करवाई है और प्लेन है, बाकी गोल अगला है, पिछला भी गोल है, प्लेट में डलवा रखी वो मैं अपने सुफरा का लाभ उठाओ। और टाई एंड डाई चिनोन का इसका दुपट्टा है, पूरा लंबा चौड़ा है, प्योर चिनोन का है। और उसके बाद है सलवार, सलवार भी चिनोन में है और सेंटून का इस पे लग रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर है नहीं, थोड़ा पतला सा गुलाग, तो इस पे भी पूरा 3 मीटर चिनोन का वो टापटा सिल्क का ही मैंने नीचे बुलवा है। टाई एंड डाई इसकी सलवार है, चिनोन का इसका फैब्रिक है, 3 मीटर है फुल। और देखांगे इसमें किसी लुक आओगी मेरी और किसा लगे, आपने मेरा पहला सूट बताइयो, ई मैं आपने डाल के रख दी फटाफट एक्शन मेर मर के। सूट में सिंपल सी लुक आई है, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप ऑफिस में वर्क करो हो तो भी आपको अच्छा लगा, बिल्कुल प्लेन है। और मैंने सारे सूट ट्राई करके कुछ देखे नहीं बुटीक में, तो उस करके थोड़े बहुत लूज टाइट मिल गए थे, इसकी बाजू थोड़ी लूज है क्योंकि मैंने चेंज करके कुछ देखे, ट्राई करके कुछ देखे उस करके ना, बाकी मैंने ठीक लगे इसके लुक, मतलब बिल्कुल सिंपल है। इसे करके मैं चंडीगढ़ गई थी जब उस दिन पैर के गई थी ना,
मतलब ज़्यादा हैवी सा फील होता, मैंने कंफर्ट सा लग गया बिल्कुल। और चिन्ह उनका इसका फैब्रिक है, सलवार देख लो इसकी, ऐसा लग गया है। और ईव चला पे नेक्स्ट सूट की तरफ, और उसके बाद है दूसरा सूट। दूसरा सूट है यो वाइन कलर है इसका, जैमनी कह लो, पर्पल कह लो, जैमनी बैंगनी सा कलर है। और सेंटून की इसकी सलवार है, फुल हैवी सलवार बनी है। और कमीज रहे इसका गाइस, ये इसका कमीज है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है नहीं, जिस पर जिस मतलब कढ़ाई हो रही है जिस कलर की, जो मैंने पर्सनली ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुथरा लग गया। लाइट स्काई ब्लू है, डार्क स्काई ब्लू है, और ब्लू है और वाइट है। और ये मैंने आपका कलर बता ही दिया। प्योर क्रेप का इसका फैब्रिक है, और मशीन वर्क हो रहा है इस पर, बाजू पे यो वर्क है, और दो बेल इसकी कमीज पे बन रही है। बैक बिल्कुल प्लेन है, ये देखो। अगर आप चाहो नहीं तो अपनी मर्जी से भी, मतलब मान लो आपने कॉटन पे करवाना है यो वर्क, या फिर ऑर्गेन्जा पे करवाना है यो वर्क, जॉर्जेट पे करवाना है, आपका बजट के हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल रहे, आप अपनी चॉइस का इस पर डिजाइन, मतलब अपने कपड़े चॉइस का कपड़ा पे डिजाइन करवा सको हो। और पाकिस्तानी इस पर लेस लग रही है, पूरा प्योर का इसका दुपट्टा है, ये देखो लंबा चौड़ा इसका दुपट्टा है, प्योर में दुपट्टा है। और यो सूट भी आपने पैर के दिखा दू कि यो सूट मेरे किसा लग गया। सूट में लोकेशन सी बनाई और मैंने बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से बैठ के उठ के चल के सारे तरीके से मैंने सूट दिखा दिया। और बाजू इस पर मतलब ज्यादा वर्क हो रहा था इस पर, तो मैंने लूज करवा ली, अम्ब्रेला बाजू बोलते हैं जिसने। अगर आप चाहो तो इसमें टाइट भी करवा इसको, अगर आप चाहो तो इतनी भी करवा इसको हो, चाहे जमा ना लगवाओ। और सूट की कढ़ाई देख लो, लेंथ इतनी थी अपने हिसाब से करवाई थी मैंने, जितनी वो तो आपका साइज लिया जाओगा, जितने भी आपकी लेंथ होगी ना उसी के हिसाब से सूट की कढ़ाई होगी, क्योंकि फिर नीचे अगर खाली जगह रवे तो बद्दी लागे। मैंने सलवार बनवाई हैवी सी, पता नहीं मैंने आजकल सलवार अच्छी लागन लग रही है, सूट की अच्छी लुक आवे है। अगर आप चाहो तो इस पर सर्कल प्लाजो भी, सर्कुलर प्लाजो जो आ रहा है वो भी अच्छा लगता, पर मैंने सलवार है आजकल मेरी फर्स्ट चॉइस बन रही है, तो मैंने सलवार अच्छी लगी। और दुपट्टा पे हैंडमेड लेस है, पाकिस्तानी लेस बोलते हैं जिसने, बिल्कुल अच्छा फैब्रिक है, अभी मतलब कंफर्टेबल सा है, सिर पर भी आप आराम से लेस का इसने, ये देखो। और चारों तरफ चौड़ी चौड़ी है नुगोनी की, छोटी सी लेस है, सही है, मेरा तो घूंघट भी सही हो जाए। किसा लगे आपने सूट मेरा जरूर कमेंट करके आप बताइए, इस पर पिछला सूट किसा लगे, यो सूट किसा लगे। और अगला सूट दिखाने से पहले मैं आपने यह चीज बता दूं कि सारे सूट मेरे खातिर किसने भेजे है, ज्यादातर सूट मेरे उरे आंदे रहे हैं, आन लग रहे हैं, आंदे रहोगे। और उनका नाम मैं आपने बता दूं, कल्चर फैब्रिक ही सारा है। और इनका एड्रेस भी बता दूं मैं, हाउस नंबर 713 नवदीप कॉलोनी राजगढ़ रोड हिसार। आप इनके घर आ जाके भी विजिट कर सको हो, इनने घर आए कर रखा बुटीक भी, और साथ में जो कढ़ाई का काम करे है शॉप, जो इन शोरूम है अपना ब्रांड जो है ग्राइंड खोल रखा है। और साथ में अगर आप गरा विजिट नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें यू डिजाइन नहीं, इस तो घोड़े बढ़िया बढ़िया डिजाइन आप नोट
ऑर्डर रोज देखने मिल जाएंगे। तो इनके चैनल सब्सक्राइब कर लियो अगर आपने यो सूट या इन चारों सूटों में कोई भी सूट पसंद आवे या फिर इनके चैनल पर कोई सूट पसंद आवे आप ऑर्डर तक मंगा सको हो और साथ में इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा है तो आप इस पर सूट ऑर्डर भी कर सको। और ई बाबी चला तीसरे सूट की तरफ और उससे अगला सूट है मैंने पर्सनली यो सूट घना सुथरा लगा मतलब पार्टी वेयर लुक भी देवे है सिंपल लुक भी देवे है। वेलवेट का इसका कपड़ा है हालांकि गर्मी जा ली पर आपने डिजाइन पसंद आओ नहीं तो आप क्रेप पे भी करवा इसको हैंडवर्क है यो आप अपने चॉइस के अनुसार किसे भी कपड़े पे करवा इसको जरूरी होनी वेलवेट पे हो यो हर एक कपड़े पे यो डिजाइन हो जाएगा। और एक बेल इसकी इस पे है जरी का कटदाने का और मन के मोतिया का आप देख सो कितना प्यारा वर्क हो रहा है इस पर तीन बेल करवा रखी है मैंने क्योंकि मैं थोड़ी पतली हूँ नहीं अगर आप मेरे तो मोटे हो हैवी हो तो इस पर चार बेल भी हो सके पांच भी हो सके है अगर आप चाहो तो बाजू पर थोड़ा मतलब इतनी करवाना चाहो तो आप इतना भी हो सके है बैक पर भी कुछ करवाना चाहो तो वो भी हो सके मतलब अपनी मर्जी तक सूट कस्टमाइज आप करवा सको हो। और इस पर मैंने बनवाया है पेंट प्लाजो थोड़ा सा मतलब मैं छह सात की मोरी रखा करी तो मैंने इसकी दस की करवाई है नौ की ब्रांड दस की मोरी है मतलब थोड़ा सा लूज है यो अदर मेरे जो पेंट प्लाजो हुआ है उनते। और इसके मैंने साइड में जिप लगवाई है और साइड में उक लगवाया है वेलवेट का इसका कपड़ा है और ऑर्गेन्जा का इस पे दुपट्टा है वैसे जो जिनने भेजा है नहीं वे कह रहे थे कि इस पे मतलब वेलवेट का ही दुपट्टा अच्छा लगेगा वो भी पर मेरे नु था कि इसमें वेलवेट का दुपट्टा बहुत हैवी हुआ है और वो सूट की ग्रेस है नहीं जो कम कर दे वेलवेट के दुपट्टे तो नहीं मतलब सूट प्लेन हो उस पर थोड़ा अच्छा लगा और वो बहुत हैवी दुपट्टा भेजे थे तो मैंने मना कर दिया मां मेरे खातर ऑर्गेन्जा का या फिर प्योर में आप कर दो तो उनने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और साइड में कोई कट वाली लेस को नहीं वर्क ही कराया है उनने फिर यो वैसे अच्छा लग गया अगर मैं इस पर ले लेनी तो गुणा हैवी दुपट्टा जो अगर फुलकारी दुपट्टे नहीं आ रहा है तो सूट तो उस दुपट्टे के नीचे लुक जे तो इस करके ने मैंने कैंसिल करा। तो आपने यो सूट मेरा किसा लगा एक बार मैं पैर कर दिखा दे हाँ इसका मैंने पेंट प्लाजो का तो लाइनिंग है को नहीं कमीज का लाइनिंग लगवाई है क्योंकि फिर प्लेट डले नहीं रुको सड़वट सी हो जाएगा वेलवेट में तो उस करके मैंने इसका कमीज पे लाइनिंग लगवाई है और मैं आपने पैर के दिखाया सूट मेरा यो है वेलवेट वाला सूट में कुछ इस तरह की लुक आई है वैसे तो आपने थोड़ी बहुत तो लोग में देख ली होगी पर उस दिन रात हो रही थी और इतना प्रॉपर तरीके से कौन दिखा जितना आज डीप में जाके एक एक चीज दिखाई है तो आज आपने अच्छे तरीके से देख लिया वेलवेट का इसका कपड़ा है ईद के मौसम खातर यो परफेक्ट सूट है बाकी अगर आप चाहो तो सेम वर्क इसी कलर पे किसी और कपड़े पे भी करवा सको हो आप अपने बजट के हिसाब से सूट कस्टमाइज करवा सको हो जितना आपका बजट है कम में ज्यादा में जो कर भी आप अच्छा चाहो। और लेंथ मैंने कमीज की इतनी करवाई है पेंट प्लाजो बनवाया है मैंने सलवार भी अच्छी लग दी पर मैंने पेंट प्लाजो की जरूरत थी इसके नीचे बाजू इतनी होगी क्योंकि वर्क इस पर पूरी बेल थी नहीं तो मैंने इतनी करवा ली कटवाई को नहीं क्योंकि डिजाइन ने नू था इतनी बेल ऊपर थी इतनी नीचे थी तो उस करके ना नहीं मैं ज्यादातर इतनी के भी अच्छे लगे अगर सूट तो। और गोल गला बनवाया है पिछला भी गोल गला है प्लेट में हर एक सूट में डलवा हुए हूँ और पेंट प्लाजो देख लो साइड में पॉकेट है और ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा है साइड में कट इसमें केवल लग रहा है कट वर्क है साइड में गोल्डन कलर का तो किसा लगे आपने मेरा सूट कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट एंड फाइनल सूट रह गया है वो और माँ ने दिखाया दो हम सवेरे लग गए थे दिन में लग गए थे दिन का टाइम हो गया साढ़े चार हो गए शाम हो गई इतनी मेहनत करने लग रहे हैं तो वीडियो ना लाइक कर देगा।
और लास्ट एंड फाइनल सूट है ये, वो भी मैंने जमा गणाए पसंद आया और ये देबे रानी पहनने में किसा लगेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ये लगे नहीं ट्राई करके कौन देखे थे, बस वेलवेट वाला तो मैंने पहन लिया था, वो भी पहन लिया था, ये मैंने ट्राई करके कौन देखा था क्योंकि जिस दिन बुटीक पर लेके आए थे उस दिन मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो जीत बिस चक दे गाड़ी में रख दे घर आए गए थे, बेड में रख दिया ध्यान दे, फिर बस यो बिजी चल गए थे तो उस करके मैंने ट्राई करके देखे को नहीं। और पैरेट इसका कलर है ब्लू कलर की, इस पे वर्क हो रहा है, कलर कॉम्बिनेशन घना जबरदस्त लग गया मन तो। और अगर आप और भी कलर कॉम्बिनेशन करवाना चाहो तो वो भी आप करवा इसको, वर्क भी इस पे देखो रेशम के धागे का, कटदाने का, मन के मोतिया का, सितारे का, और बाजू पे ये चिड़िया बना रखी है, कटदाना है, जरी का काम है, मोतिया का काम है, कितनी प्यारी चिड़िया सी बनाई गई, ऊपर को इसका मैल सा बनाया रखा है, ऊपर फिर पत्ते बनाए रखे है गोल्डन कलर के, और सारे सूट पे ब्लू कलर की बूंदी बूंदी सी है, बीच में ये सितारे आ गए ना मिरर टाइप की वे लगा रखी है, साइड में मैंने चुन्नी के टाइप की इस पर लैस लगवाई है, और बैक बिल्कुल प्लेन है, प्लेट में हर एक सूट में डलवाए हुए हूँ, और गला जितना था फिर ये उतना ही बनाया, मतलब मेरे हिसाब से मैंने छोटा ही गला करवाया था, तो आप अपने हिसाब से चोर्स भी करवाए इसको हुई हो जो भी डिजाइन आप करवाना चाहो। और सेंटून की इस पर पैरेटी कलर की सलवार है, फुल हैवी सलवार बनवाई मैंने सिंपल, ठीक है, और ब्लू कलर का इस पर दुपट्टा है चारों तरफ, या छोटी झाड़ू लेस बोल जाग रहा है, चमकनी सी लेस लग रही है गोल्डन कलर की, तो कलर कॉम्बिनेशन इसका घना जबरदस्त है, डालने के बाद में बेरा नहीं हो किसा लगेगा, तो आप एक्साइटेड हो गए देखने खातर, तो चलो मैं इसने भी पैर के दिखा। तो यो है मेरा लास्ट एंड फाइनल सूट, पैरेट कलर विद दुपट्टा ब्लू कलर का इसके साथ कॉम्बिनेशन है, और सामने सवेरे दनी सांझ हो गया, आज तो जमा पागल हो लिया हम वीडियो बनाए बनाए, एक तो हमने थोड़ा आज गर्मी सी महसूस हो रही, तो जोटे ले ले पानी पीपी आराम से पंखे चलाए चलाए आराम आराम से बनाई है वीडियो। और बाकी आपने ये सूट किसा लग गया बता दियो, देखो बाजू पर डिजाइन कितना, मैंने पर्सनली ये सूट घना पसंद आया, बाजू पर डिजाइन देखो कितना अच्छा लग रहा है, और गला का भी देखो, अगर आप चाहो तो इसका बड़ा गला भी करवाए इसको, मतलब अपने अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप ठाडे हो तो थोड़ा बड़ा ही करवाए इसको, अगर आप मेरे तभी जमाए गए गुजरे तो आप और व्यू करवाए इसको, और लेंथ मैंने इसकी थोड़ी सी कम करवाई है, और साइड में पाइपिंग है, और ब्लू ब्लू जो इस पर सारे पर बूटी बन रही है, दोनों पर जरी का, कटदाने का, मोती का और धागे का मिक्स काम है, मतलब हैंडवर्क की सूट है, सेंटून की इसकी बॉटम है, और दुपट्टा की इसके चारों तरफ गोल्डन कलर की लैस लग रही है। तो बताइए आपने ये सूट किसा लगे, चारों में तो कौन से सूट आपने अच्छे लगे, मैंने उम्मीद है कि आपने चारों सूट पसंद आए, क्योंकि शुरू वाला थोड़ा सिंपल था, फिर उसका थोड़ा हैवी था, फिर उसका फिर थोड़ा हैवी, ये वाला सबसे बढ़िया लग गया। हाँ आपने भी ये वाला सबसे बढ़िया लग गया, पर पिछले भी बढ़िया लगी होगी, नहीं मतलब एक पैड़ी तो चढ़ी हूँ पहले आराम तो वो सही लग गया, फिर ओ यो भी सही है, तो फिर मिलांगे आपे किसी और वीडियो में, और मैं आपने फिर तो बता दूं कि सारे सूट मेरे खातर भेजे हैं कल्चर फैब्रिक सारा ने, एड्रेस मैं फिर तो बता दूं, हाउस नंबर 713 नवदीप कॉलोनी राजगढ़ रोड हिसार, और कॉन्टेक्ट नंबर आपने स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने यो सूट इस तरह कोई भी सूट मंगवाना हो, कस्टमाइज करवाना हो, ड्रेस लेनी हो, ज्वेलरी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो आप इनका कॉन्टेक्ट जरूर कर लियो, और फिर मिलांगे आप इसे प्यारी सी और वीडियो गल्ले, बाय जब तक।